हाय दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग कहाँ दी हुई है और कोर्स एग्रीगेट कैसा लेना है हमको, कैसा नहीं लेना है फॉर कंक्रीट वर्क के लिए, और सीमेंट प्रॉपर्टी टेस्ट हम कौन कौन से करते हैं, कहाँ दिया हुआ है और ये मूर्त में किस सेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 1000 में ये दिया हुआ है कि द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज शैल बी टेस्टेड। सीमेंट टेस्ट के लिए दो प्रॉपर्टी दी हुई है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम किसी भी ग्रेड का सीमेंट हो, चाहे 43 हो, 53 हो, किसी 53 हो या 43 हो या 33 हो, तो उसके लिए हम मोर्टार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं और सेटिंग टाइम चेक करते हैं। और चेक करने के बाद हमको ये देखना है कि जो भी हम स्टोरेज कर रहे हैं बैग्स में सीमेंट, वो 3 महीने तक अधिक से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम उसका यूज कर रहे हैं फिर से, तो फिर से हमको इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम उसकी चेक करना है, और यदि वो सही आता है तो हमको यूज करना है, अदरवाइज हमको उस सीमेंट को रिजेक्ट करना पड़ेगा और ये सीमेंट जो है हम कंक्रीट वर्क में यूज नहीं करेंगे यदि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम या फिर कंक्रीट स्ट्रेंथ की टेस्टिंग जो है फेल हो रही है, तो हम उस सीमेंट को यूज नहीं करेंगे। और ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि जो भी हम लॉट जब हम मंगवाते हैं इस फैक्ट्री से सीमेंट को, तो 500 टन मैक्सिमम हम एक दिन में मंगवा सकते हैं, किसी भी साइड में हम मैक्सिमम 500 टन तक हम सीमेंट मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते हैं, तो ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद आते हैं कोर्स एग्रीगेट में। दोस्तों हम कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे दोस्तों, तो कोर्स एग्रीगेट आप लोग जानते हैं कि PCC चाहे प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क हो या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क हो या प्री स्ट्रेस कंक्रीट सीमेंट वर्क हो, सभी में हमको कोर्स एग्रीगेट लगता है। और जो कोर्स एग्रीगेट हमको यूज करना हो किस तरह का होना चाहिए, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं सेक्शन 1007 में कि वो क्लीन होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, नॉन कम्पोरस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए पीस, और क्रश्ड स्टोन होना चाहिए, क्रश्ड ग्रेवल्स होना चाहिए, नेचुरल ग्रेवल्स होना चाहिए, जो सुटेबल कॉम्बिनेशन, ताकि मटेरियल का जो है सुटेबल कॉम्बिनेशन बैठे उसमें और अपना जो स्ट्रेंथ भी है कंक्रीट का वो स्ट्रेंथ भी बना रहे। और हमको कौन सा कोर्स एग्रीगेट हमको यूज नहीं करना है, तो ये भी चीज़ हमको दिया हुआ है कि जो हम इंटीग्रेटेड स्टोन से यदि उसमें मिक्स हैं पीस, तो वो कोर्स एग्रीगेट हमको यूज नहीं करना है। यदि वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है या कि फ्लैगी है या कि इलोंगेट पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा हैं, तो हमको तो भी यूज नहीं करना है। यदि उसमें साल्ट या कि अल्की जो मतलब केमिकल्स उसमें रहते हैं, वेजिटेबल्स मैटर्स रहते हैं या कि डिलीटेरियस मटेरियल्स जो भी उसमें उपस्थित रहते हैं, तो यदि वो है तो उस कंक्रीट को हमको बिल्कुल भी उस एग्रीगेट को यूज नहीं करना है, कोर्स एग्रीगेट को। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, यदि वो चीज़ उसमें प्रेजेंट है तो उसके कारण हमारे स्ट्रेंथ में, कंक्रीट की स्ट्रेंथ में और उसकी ड्यूरेबिलिटी में जो है वो कमी आती है, इसलिए हमको ऐसा कोर्स ग्रेड यूज नहीं करना है। और ये क्या है ना, उसमें केमिकल रिएक्शन के कारण वो स्टील में भी जो रेनफोर्स डालते हैं, प्रोवाइड कराते हैं कंक्रीट में, उसमें भी इफेक्ट डालता है उसका, तो ऐसा कोर्स ग्रेड हमको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये देखना है, क्योंकि ये रहता है कोर्स ग्रेड हैविंग पॉजिटिव एल्की का रिएक्शन सिल नॉट बी यूज्ड, तो यदि उसमें क्या रहता है कि जो भी एल्की या कि सॉल्ट रहते हैं तो वो क्या है रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है उनके बीच, तो ऐसे कोर्स एग्रीगेट को यूज नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों एग्रीगेट के बारे में, आप कोर्स एग्रीगेट के बारे में IS 383 कोड को फॉलो कर सकते हैं, IS 383, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी ग्रेडिंग क्या होती है। इसके बाद दोस्तों जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट रहता है वो वेरियस स्ट्रक्चर कंपोनेंट इन PCC, RCC, PSC सेल कंफर्म टू सेक्शन 1700 ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन, तो ये आप 1700 सेक्शन में आप इसके बारे में देख सकते हो डिटेल्स पूरी। इसके बाद दोस्तों जो भी हम कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे उसमें मैक्सिमम वैल्यू फ्लैकीनेस इंडेक्स और की जो रहेगी, फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन की, वो कंबाइन में हम 35% तक ही यूज कर सकते हैं। उन दोनों की वैल्यू जो कंबाइन में 35% यदि आती है तो हम उसे कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आती है तो। इसके बाद आप ग्रेडिंग देख सकते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए, अलग अलग नॉमिनल साइज के लिए हमको कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग दी हुई है। यदि 40 mm का हम कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे
हैं तो उसमें हम 40 mm में 95 से 100% तक पासिंग मटेरियल होना चाहिए और 20 mm में 30 से 70% तक पासिंग मटेरियल होना चाहिए और 10 mm में 10 से 35% तक पासिंग मटेरियल होना चाहिए और 75 mm में 4.75 mm में 0 से 5% तक पासिंग मटेरियल होना चाहिए। यदि हम नॉमिनल साइज 20 mm यूज कर रहे हैं तो उसमें 40 mm में 100% पासिंग मटेरियल चाहिए और 20 mm में 95 टू 100 mm पासिंग मटेरियल चाहिए, 10 mm में 25 टू 55% तक पासिंग मटेरियल चाहिए और उसके बाद 4.75 mm में 0 से 10% तक पासिंग मटेरियल चाहिए। और यदि हम नॉमिनल साइज 12.5 यूज कर रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए हमको 20 mm में 100% पासिंग मटेरियल चाहिए और 12.5 mm में 90 to 100% पासिंग मटेरियल चाहिए और 10 mm में 40 to 85% चाहिए पासिंग मटेरियल और 4.75 mm में 0 to 10% तक पासिंग मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइज के लिए अलग अलग सीव दी हुई है। यदि 40 mm साइज का यूज करते हैं तो 40 mm में हमको 40 mm की 20 mm की और 10 mm की और 4.75 mm की सीव यूज करना है। और यदि हम 20 mm का एक नॉमिनल साइज एग्रीगेट यूज कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट तो उसके लिए हमको 40 mm 20 mm और 10 mm और 4.75 mm तक की सीव का यूज करना है दोस्तों। इसके बाद यदि हम 12.5 mm नॉमिनल साइज यूज कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो सीव यूज करना है हमको 20 mm होना चाहिए, 12.5 mm की सीव होना चाहिए, 10 mm की सीव होना चाहिए और 4.75 mm की सीव होना चाहिए। इस तरह दोस्तों हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग चेक करते हैं कि यदि हमारा कोर्स ग्रेड प्रॉपर ग्रेडिंग में आ रहा है तो हम उसको कंक्रीट वर्क में यूज करते हैं, अदरवाइज हम जाके जहाँ भी क्रशर से जो भी ये अपन पार्टिकल निकाल रहे हैं क्रश्ड कर रहे हैं स्टोन्स को वहाँ हम सीव साइज उसकी चेंज कर सकते हैं ताकि हमको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड साइज में नॉमिनल साइज जो है अपना वो कोर्स एग्रीगेट का हमको मिले, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।